सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप डेली व्यूअर हैं तो हो जाइए तैयार क्रिश को दादी सा का खेल एक्सपोज करते देखने के लिए। वेल, क्रिश को अभीरा भाभी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। भाई, ये अभीरा भाभी ही थी जिन्होंने क्रिश को सपोर्ट किया। ये अभीरा भाभी ही थी जिन्होंने क्रिश पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स और विश्वास जमाए रखा। क्रिश को नौकरी दिलवाने के लिए भी काफी कुछ किया और अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर क्रिश अरमान को अभीरा की बेगुनाही के बारे में सब कुछ बताने वाला है। वेल, कोई माने या ना माने, लेकिन जब कुछ अभीरा ने कोर्ट में अरमान के खिलाफ दिया बयान, अरमान का दिल पूरी तरह से टूट गया। अरमान यहाँ पर पूरी तरह से टूट कर बिखर गया। वेल, अरमान को हुआ काफी ज्यादा दुख ये सोचकर कि अभीरा ने उसकी शादी अपने रिश्ते को जबरदस्ती का कह दिया। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्रिश को नानी सा की शर्त के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। भाई, क्रिश को पता चल जाएगा कि नानी सा यानी कावेरी जी ही हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। कावेरी जी ही हैं जिन्होंने ये सारी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की। कावेरी जी ही हैं जिन्होंने यहाँ पर अभीरा को नौकरी से भी निकलवाया है और तो और अभीरा को ब्लैकमेल भी किया है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे क्रिश न सिर्फ सच अरमान को बताने वाला है बल्कि अभीरा की बेगुनाही का सबूत भी अरमान की आंखों के सामने लाकर रख देने वाला है। वो अपने अरमान भैया को अभीरा भाभी की सच्चाई और अभीरा भाभी की अच्छाई दोनों के ही बारे में बताने वाला है। सच जानकर अब अरमान क्या करता है? अभीरा को लेकर उसने गलती तो कर दी, लेकिन अब गलती को सुधारता कैसे है देखना होगा।